मेरे चैनल में स्वागत है सभी जनों को। चलिए हम आज एक्सरसाइज 2A का आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 5 से, वर्क एनर्जी पावर का, ICC चैप्टर नंबर 2। तो ये आप वीडियो देखिए लास्ट तक, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। अ मशीन रेजेज अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंड बाय द मशीन एंड द पावर ऑफ द मशीन। अभी इसमें देखिए फोर्स दिया हुआ है, फोर्स दिया है 750 न्यूटन, ठीक है, और हाइट दिया है 16 मीटर। इसको आप डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। फिर टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। एनर्जी निकालना है, एनर्जी स्पेंड। तो अभी हम इस केस में दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मशीन रेजेज अ लोड, जब भी कुछ चीज़ को ऊपर उठाते हैं, रेज करते हैं, तो आप MGH लगा सकते हैं एनर्जी के लिए। लेकिन यहाँ पर मास नहीं दिया है, 750 न्यूटन डायरेक्ट जो लोड दिया है, फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो फार्मूला है वर्क डन का, वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हाइट के हिसाब से दिया है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू हाइट लेके कर सकते हैं, या इस डिस्प्लेसमेंट को या 16 मीटर को डिस्प्लेसमेंट लेके कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये एक तरीका हो गया। देखिए, 750 इंटू हाइट 16, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना, तो 12,000 जूल आ जाता है। तो ये हो गया। नहीं तो आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे एनर्जी या वर्क डन MGH कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फोर्स दिया है 750, तो ये जो MG मिला के ये 750 दिया है इनटू 16, तो वही आएगा 12,000। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो M इंटू जी है वो 750 है। यदि मास दिया रहता है तो G का वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पर जो डायरेक्टली फोर्स दिया है तो G के साथ ये दिया हुआ है। तो ये आप तरीके से भी कर सकते हैं। अभी सेकेंड पार्ट में जाएंगे, पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी निकाला 12,000 बाई टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। तो दोनों ऐसा यूनिट में है, ये जूल में है, ये सेकेंड में है। तो हमारा हो जाएगा 22,400 वाट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। और जब भी आंसर लिखेंगे सही यूनिट लिखना है, यूनिट रॉन्ग है तो आपको मार्क्स कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज़ यूज फॉर 10 आवर, हाउ मच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर एंड जूल। तो आपको पहले पूछा है किलोवाट आवर में, और यहाँ पर दिया है, देखिए पावर दिया है, पावर इक्वल्स टू 3 किलोवाट, ठीक है, और टाइम दिया है आवर्स, नहीं 10 आवर्स। अभी यहाँ पर आप समझना है कि जो एनर्जी होता है वो पावर इनटू टाइम होगा, ठीक है। और पावर को यदि हम किलोवाट में लेते हैं और टाइम को आवर्स में लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये किलोवाट आवर में आ जाता है। तो क्योंकि पहला क्वेश्चन किलोवाट आवर में निकालना है, तो हम पावर का जो किलोवाट है उसको चेंज नहीं करेंगे, और टाइम आवर्स में दिया है उसको भी चेंज नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली आंसर किलोवाट आवर में आ जाएगा। और यदि आप आपको किलो किलोवाट को 1000 वाट करके चेंज करते हैं तो वाट आ जाएगा, और टाइम सेकेंड्स में करते हैं तो वो जूल में हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है किलोवाट आवर, सो इसलिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, सो 3 किलोवाट इंटू 10 आवर, तो ये ऑटोमेटिकली 30 किलोवाट आवर हो गया। देखिए पहला आंसर डायरेक्टली आ गया।
अभी सेकंड आंसर जो है, आप 3 किलोवाट 10 आवर को इंडिविजुअली कन्वर्ट करके ऐसा ही यूनिट में, जैसे किलोवाट को मैंने बताया वाट में चेंज कीजिए, आवर को सेकंड में चेंज कीजिए, तो आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये रिलेशन है, ये डायरेक्टली पुट कर दीजिए। सो 30 किलोवाट आवर है ना, तो 30 × 3.6 × 10⁶ जूल में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कन्वर्शन फैक्टर है तो उसको डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। तो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 108 × 10⁶ जूल। फिर साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट हमेशा एक डिजिट के बाद आना चाहिए, सो 1.08 × 10⁶, इधर दो डिजिट शिफ्ट किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 लिख दें, तो ये आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अभी 7 नंबर, अ वाटर पंप रेजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप यूज्ड। अभी इसमें जो 50 लीटर है तो ये वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर है 50 लीटर्स। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए डेंसिटी दिया है बाद में केजी पर मीटर क्यूब, तो इसको लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 50/1000, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो ये कन्वर्शन फैक्टर। तो लीटर को मीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, 1/20 मीटर क्यूब। अभी 1/20 रखिए, वॉल्यूम मिल गया, अभी डेंसिटी दिया है, ओके हाइट दिया है h 25 मीटर, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, जो जो दिए हैं पैरामीटर्स लिख लीजिए, g का वैल्यू 10 है और डेंसिटी दिया है 1000 kg/m³। तो अभी हम यहाँ पर एनर्जी पावर पावर निकालने बोला है, तो पहले हम एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी निकालने के लिए इसका मास चाहिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, मास को निकाल लेते हैं। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम दिया है डेंसिटी दिया है, इसलिए यहाँ से मास निकालेंगे, और मास निकालने के लिए ही ये दो वैल्यू दिए हुए हैं। तो वॉल्यूम क्या है, 50 नहीं लेना है, 1/20 लेना है, ये मीटर क्यूब है देखिए, और इधर ये डेंसिटी 1000 kg/m³, तो दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, तो 50 kg आ रहा, तो मास मिल गया। अभी इसको यहाँ पर रेज करना है, तो हम W=mgh लगा देते हैं। आप फोर्स इनटू हाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मास दिया है इसलिए mgh लगाइए। कभी भी जब भी जब कुछ भी चीज़ लिफ्ट करना होगा तो ये फार्मूला लगाइए, मास 50, जी 10, हाइट देखिए 25, तो कितना आ रहा है, 125 इतना जूल आ गया। अभी पावर निकालने बोला है W/T, तो W है 1500 डिवाइडेड बाय टाइम है 5, सो 2500 ये वाट आ गया, तो 2500 वाट आंसर आ गया। तो पावर डायरेक्टली पूछा है, लेकिन हम पहले वर्क निकालेंगे, वर्क या एनर्जी। तो ये तरीके हैं, वॉल्यूम दिया है इससे मास निकालेंगे, फिर mgh लगाएंगे। कभी भी कुछ भी लिफ्ट करेंगे ऊपर जाएंगे, इफ़ समथिंग इज रेज तो mgh लगाइए, और यदि फोर्स दिया है तो mg फोर्स होता है, तो फोर्स इनटू हाइट लगाइए। तो ये तरीका है। क्वेश्चन 8 कर लेते हैं। अ पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन
10 सेकेंड्स। देखिए फिर यहाँ पर लिफ्ट का ही बात है, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पंप। तो मास दिया है 500 kg, हाइट दिया है 80 मीटर, और टाइम दिया है 10 सेकेंड्स, जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सभी कुछ दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे वर्क डन निकालने के लिए, जैसे मैंने बताया पहला पार्ट MGH 500 इंटू 10 इंटू 80, तो कितना आ जा रहा है, ये 3 जीरोस पहले लिख लीजिए, फिर 8 इंटू 5 40, सो 40,000, और 4 जीरोस, हाँ ये हो गया जूल। तो इतना वर्क डन आ गया। अभी सेकेंड पार्ट में जाते हैं पावर। सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो कितने जीरोज है, 5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स, तो 40,000 वाट। नंबर सी में जाते हैं, इसे बोला पावर रेटिंग ऑफ द मशीन विद एफिशिएंसी 40%। तो पावर रेटिंग का मतलब होता है इनपुट पावर, ठीक है, उसको इनपुट पावर उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा एक सेकंड में, तो ये होता है इनपुट पावर। और ये जो एक्चुअली उसने वर्क किया, वाटर को लिफ्ट किया, तो ये हो गया आउटपुट पावर। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ये फार्मूला याद कर लीजिए, चैप्टर 3 में आएगा मशीन्स में, और आसानी से समझ में आ जाएगा, यहाँ पर आप डायरेक्टली ले लीजिए। तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी कितना है 40%, 40 100, तो आउटपुट पावर ये जो एक्चुअल जो काम होता है, एनर्जी सप्लाई होता है या पावर सप्लाई होता है, उसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक है, 40,000 ले लीजिए। और जो इनपुट पावर है वो है मालूम नहीं है, तो उसको एक्स लेके हम सॉल्व करेंगे। और अभी हम इसको और कुछ नहीं करना है, एक्स सॉल्व करना है, तो 4x इज इक्वल टू 1x हो जाएगा, तो 10 to the power ये हो गया वाट, ठीक है, ये आउटपुट पावर हो गया, आउटपुट इनपुट पावर। तो ये आउटपुट पावर, ये इनपुट पावर, तो इनपुट पावर को ही पावर रेटिंग होता है। और जो अप्लाइंस होता है, यानी कि जैसे पंप है, तो पंप के ऊपर ये लिखा रहेगा, जैसे 100 kilowatt लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1000 करके, तो पंप में 100 kilowatt मार्किंग रहेगा, लेकिन एक्चुअली वो 100 kilowatt पावर सप्लाई नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसमें 40% एफिशिएंसी, मतलब 40% काम करेगा, 60% एनर्जी दूसरे फॉर्म में वेस्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है, इसलिए पावर इनपुट या पावर रेटिंग वो पूछा है। तो इस तरह से हम ये फार्मूला लगा के कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 सॉल्व करेंगे। एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 newton टू पुल अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 meter per second, कैलकुलेट द पावर। तो इसमें देखिए फोर्स दिया है 1000 newton और वेलोसिटी दिया है 30 meter per second, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स है 1000 और वेलोसिटी है 30।
तो 30,000 वाट होगी। अब इसको किलोवाट में भी लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन में नहीं बोला है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पावर ऑफ मोटर इज 40 किलोवाट, एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज द लोड ऑफ 20,000। तो देखिए अभी इसमें पावर दिया है 40 किलोवाट, तो इसको 40,000 वाट लिखिए, क्योंकि 1 किलोवाट होता है 1,000 वाट, तो 40 किलोवाट 40 × 1,000 40,000। और फोर्स भी दिया है 20,000 न्यूटन। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जैसे हमने लगाया पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी के लिए पावर बाय फोर्स लगा दीजिए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर बाय फोर्स, से डायरेक्ट फॉर्मूला पावर हो गया 40,000 वाट और फोर्स हो गया 20,000 न्यूटन। तो सब कैंसिल कीजिए, 2, सो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। राजा एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इन पुलिंग अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द पावर एग्जर्टेड। तो पर जैसे ही है तो फोर्स दिया है, लिख लीजिए 150 न्यूटन, वेलोसिटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ऐसा यूनिट में है, कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स हो गया 150, वेलोसिटी 10, सो 1500 वाट इसका पावर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।